जाएगी मेरी पुस्तक। इतना प्यार आपको उस घंटे से उनकी पुस्तानी मैं की। अपने बच्चों से भी ज्यादा संभाल के रखता था उसको, पता नहीं कैसे मेरी निकल गई दिमाग से। मेरी यही प्रार्थना मेरे घंटे मेरे को वापस। समझे, आप रोई नहीं, आपको वो घंटे जरूर वापस मिलेगी, क्योंकि वो किसी के पास अगर मिल भी गए होंगे, उसके उसके उपयोग के नहीं है वो घंटे। आप उसके क्या किसी काम गुजारिश गुजारिश क्या करना चाहेंगे आप मैं लोग? यही गुजारिश करना चाहूंगा, वो उसके किसी काम की नहीं है और मेरे सारे काम की है, क्योंकि मैं उसके साथ सुबह शाम तक भजन करता रहता था, उससे मेरा इतना लगाव था। पता नहीं कैसे वो, मैं अपने बच्चे से भी ज्यादा उसको संभाल के रखता था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की निशानी है, दोबारा ऐसी निशानी कहीं बन नहीं सकती, मिल नहीं सकती, कहीं पीढ़ियां चलती हुई आ रही है। पता नहीं उस दिन कैसे दिमाग से निकल गई, ये भगवान ही। कितने साल पुरानी घंटी है कोई बता अभी सकता है? हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है जी, सुबह 4 पीढ़ियों की चल रही है, अभी चौथी पीढ़ी है हमारे बड़े बुजुर्गों की। इस समय मेरे साथ जंगम बाबा जी हैं, और जंगम बाबा के हाथों में हमेशा से आप एक घंटी देखते होंगे, लेकिन आज इन बाबा जी के हाथ में वो घंटी नहीं, एक पुश्तैनी घंटी इनके पास हुआ करती थी, लेकिन वो घंटी जो है वो इनसे कहीं पर खो गई है। अब ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को ये घंटी मिली हो, वो घंटी जो है वो बाबा जी को वापिस कर दे। और कहाँ पर वापिस करनी है, किस नंबर पर आपको संपर्क करना है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और बाबा जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 100 साल से भी ज्यादा समय की वो घंटी है जो बाबा जी के हाथों से कहीं पर रह गई है। बाबा जी, पहले तो स्वागत करूंगा मैं आपका। ओम नमः शिवाय जी, सभी जम्मू जम्मू वासियों को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बाबा जी, ये घंटी आपके हाथों में नहीं है, हम हमेशा देखते हैं कि जगह बाबा के हाथों में वो घंटी हमेशा से रहती है, वो घंटी कहाँ पर रहेगी, कुछ याद है आपको कहाँ पर रहेगी ये? ये जी 30 तारीख की बात है, दिन सोमवार है, तिरहुता नगर की बात है। मैं वहाँ एक जगह कुर्सी पे बैठता था, जहाँ पर मास्टरमाइंड की क्लासें लगती है, वहाँ कुर्सी बनी हुई है, तो मेरे को थोड़ा डिस्क प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए वहाँ ये रेस्ट कौन सी करने। जगह में है? ये त्रिकुटा नगर है जी, अपना मेन लोकेशन वहाँ की त्रिकुटा नगर है, तो थोड़ी बहुत ही देर में वहाँ रेस्ट कर ले देता हूँ। और जैसे मैंने वहाँ पानी पुणी पिया, पता नहीं दिमाग से निकल गई घंटी वहीं छूट गई, ये मेटाडोर में छूट गई। जीवल तक की ही मेरी प्रार्थना भी, जीवल के आसपास तक ये त्रिकुटा नगर से घंटी गुम हुई है। किसी ऐसे मैंने मारे किसी देशवासी को ऐसे को आदत लग गई है कि वो वापिस नहीं आई। पहले जैसे मेटाडोर में घंटी रह जाती थी, मेटाडोर वाले हमारी पकड़ा देते थे, तो वो काफी बड़ी घंटी है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बड़े बुजुर्गों की घंटी है, 3-4 पीढ़ी होगी उसको चलते हुए, बहुत पुरानी घंटी है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती। अगर कोई कहीं उसको बेचना चाहे, उसको 100-200 रुपए से ऊपर उसको कोई नहीं देगा। बस मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ, जो मुंह वासियों से मेरी यही प्रार्थना है, भाई जिस भी सज्जन पुरुष को वो घंटी मिली है, जल्द से जल्द इस जंगम बाबा की घंटी पहुंचाई जाए, ताकि मेरा गुणगान दोबारा से चालू हो जाए। हम शिव महिमा गाने वाले हैं, और जब से मेरी घंटी हुई है तो मैं शिव महिमा भी, मैंने गाना बजाना मेरा भूल ही गया। 8 दिन से मैं अपने घर ही बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास टल्ली नहीं है, ऐसी कहीं बनती नहीं है, आगे पीछे कहीं मिलती नहीं है। इसीलिए सभी जम्मू वासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि जिस भी मेरी देवी बहन माता बड़े बुजुर्गों को मिली है कहीं पे भी, तो वो प्लीज मेरी घंटी मिला दे मेरी घंटी। अभी बताएं कि कितनी तारीख को आपकी ये घंटी गुम हुई है, और कहाँ पर रह गई है, कहीं पर दुकान पर रह गई, यहाँ पे मेटाडोर में रह नहीं, गई? दुकान पे नहीं रही ये त्रिकुटा नगर से जीवल तक की है, बस मेरी घंटी मिल जाएगी मेरी पुस्तक। इतना प्यार आपको उस घंटे से उनकी पुश्तानी मैं की। अपने बच्चों से भी ज्यादा संभाल के रखता था उसको, पता नहीं कैसे मेरी निकल गई दिमाग से। मेरी यही प्रार्थना मेरे घंटी मेरे को वापस। समझे, आप रोई नहीं, आपको वो घंटे जरूर वापस मिलेगी, क्योंकि वो किसी के पास अगर मिल भी गए होंगे, उसके उसके उपयोग के नहीं है वो घंटी। आप उसके क्या किसी काम गुजारिश गुजारिश क्या करना चाहेंगे आप मैं लोग? यही गुजारिश करना चाहूंगा, वो उसके किसी काम की नहीं है और मेरे सारे काम की है, क्योंकि मैं उसके साथ सुबह शाम तक भजन करता रहता था, उससे मेरा इतना लगाव था। पता नहीं कैसे वो, मैं अपने बच्चे से भी ज्यादा उसको संभाल के रखता था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की निशानी है, दोबारा ऐसी निशानी कहीं बन नहीं सकती, मिल नहीं सकती, कहीं पीढ़ियां चलती हुई आ रही है। पता नहीं उस दिन कैसे दिमाग से निकल गई, ये भगवान। कितने साल पुरानी घंटी है कोई बता अभी सकता हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है जी, सुबह 4 पीढ़ियों की चल रही है, अभी चौथी पीढ़ी है हमारे बड़े बुजुर्गों की।
22 साल 23 साल मेरे को हो गए उस गंटी को लेते हुए। 23 साल से वो गंटी आप ही के पास? 23 साल हो गए लगातार, मैं जम्मू में रहता हूँ यहाँ पे 23 साल हो गए मेरे पास घंटी। मैंने आज तक कभी उसको इतनी ही खरोच नहीं आने, अपने से अलग नहीं रखे, पता नहीं उस दिन क्या हुआ भोलेनाथ की कृपा से वो घंटी कैसे दिमाग से छूट गई। क्या कोई पहचान बता पाएंगे कि कितनी बड़ी घंटी है क्या? हाँ जी हाँ जी, ये मैं अभी एक जंगम बाबा जी की घंटी लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं इससे थोड़ी बड़ी घंटी, इससे थोड़ा मैं ऐसी इससे बड़ी थोड़ी घंटी है, इससे थोड़ी बड़ी घंटी है वो, मैं थोड़ी चमकी हुई है ऐसी, मैं जैसे चांदी चमकती है ऐसे दिखती है वो, है वो कांसे की है घंटी, सात धातुओं की बनी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने कभी बनवाई थी बड़े पहले टाइम से, सदियों के जमाने से चली हुई है वो घंटी। तो पता नहीं कैसे भोलेनाथ की दया से, मैं आज 8 दिन हो गए अपने घर ही बैठा हूँ, 30 तारीख को ये पिछले सोमवार को ये मेरे साथ ऐसे हुआ था, आज लग वो घंटी तक मैंने सारा त्रिकुटा नगर सारा जीवल सभी से पूछताछ कर लिया, किसी ने हामी नहीं भरी है अभी तक। मैं एक दो थाने में भी गया हूँ, तो भाई बंधुओं को भी बोल रहा है देखो अभी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से जैसे भी जम्मू वासियों से मेरी यही प्रार्थना है जिस भी मेरे भाई सज्जन मेरी बहन माता को मिली है वो घंटी जरूर मेरे पास जरूर पहुँचा, यही प्रार्थना जम्मू वासियों से मेरी। किसी को घंटी मिल भी जाए तो वो कहाँ पर देने आएगा आपको? ये अपना प्रेम नगर है जी, विवेकानंद चौक जम्मू गुरुद्वारे के सामने, वहाँ अपने जंगम बाबे रहते हैं, वहाँ भी मेरा स्थान है जी, वहाँ पहले मैं वहीं रहता था, अब मैं यहाँ बच्चों के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ही स्कूल में पढ़ते हैं। शक्ति नगर में भी अगर कोई देने आए तो शक्ति नगर मंदिर में भी आप? हाँ जी हाँ जी, यहाँ दुर्गा मंदिर में दे सकते हैं, ये पानी का ट्यूबवेल लगा हुआ है जगत पैलेस के पास है जी अपना ही, हाँ जी यहाँ पर घंटी दे सकते हैं। एक अपना रेशमगढ़ में भी स्थान है, रेशमगढ़ कॉलोनी में भी स्थान है, वहाँ भी दे सकते हैं, वहाँ भी जंगम बाबा जी रहते हैं। और एक ये अपना चिड़ियाघर के पास भी अपना स्थान है, वहाँ भी अपने जंगम बाबा जी रहते हैं। एक अग्रवाल धर्मशाला के साथ अपना स्थान है जंगम बाबा का, वहाँ भी दे सकते हैं, किसी जंगम के पास चली गई तो नू समझ लो वो मेरे पास ही आ जाएगी अगर किसी जंगम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जंगम बाबा किसी की घंटी रखते नहीं है वो, मतलब किसी का सम्मान गुम हो जाता है तो हमारा आपस में इतना प्यार प्रेम है कि वो आपस आ जाता है वो, तो किसी भी जंगम बाबा को हाँ, घंटी कर देगा वो आपके पास आ जाएगा। हाँ जिस जंगम बाबा का दे वो आप उसका मोबाइल नंबर या उसका नाम पता भाई नाम दे लेना भाई कौन से मंदिर से, ताकि मेरे को पहचानने में थोड़ा जल्दी ही महसूस हो जाएगा। चलिए बाबू शुक्रिया बाबा जी, तो इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर करें ताकि पूरी जम्मू में ये वीडियो जो है वो पहुंच सके, ताकि जिस व्यक्ति को वो घंटी मिली हो वो घंटी जो है वह बाबा जी को वापस कर दे, क्योंकि आपके उपयोग के वो घंटी तो नहीं है लेकिन बाबा जी के पुश्तैनी वो घंटी है। तो आप देखिए बाबा जी की हालत क्या है, अगर किसी को भी वो घंटी मिली हो वो घंटी जो है वो किसी भी जंगम बाबा को आप दे सकते हैं, वो घंटी जो है वो बाबा जी के पास वापस आ जाएगा। अगर आपको भी घंटी मिलती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे सकते हैं, तो कृपा होगी कि अगर आप बाबा जी की घंटी जो है वो लौटा सके। नमस्कार।